हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद आई एस में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की दो बड़ी यूनिवर्सिटी से यहां पर परीक्षाओं के विरोध में बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। यदि आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। जैसा कि फ्रेंड्स आपको बताया होगा, UGC ने फाइनल ईयर की परीक्षाओं को कंडक्ट कराने के जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए हैं। और देश भर की तमाम प्राइवेट, इसके साथ साथ डीम्ड या फिर स्टेट और इसके साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी को फाइनल की परीक्षाएं कराना अनिवार्य कर दिया, जिसके विरोध में देशभर के तमाम स्टूडेंट्स लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। पहली अपडेट आप देख सकते होंगे यहां पर, ये जो न्यूज है ये यहां पर CCSU मेरठ से है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सामने धरने पर बैठे छात्र। अगली यूनिवर्सिटी के बारे में भी हम यहां पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। परीक्षा के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, कई छात्र संगठनों ने CCSU और मेरठ कॉलेज के बाहर जताया विरोध। प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान UGPG में फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराए जाने के विरोध में छात्रों ने सोमवार को विश्वविद्यालय गेट पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पुलिस के साथ झड़प हुई। चलिए बात करते हैं यहां पर अगली अपडेट के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगली अपडेट जो है ये यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, उत्तर प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए छात्रों ने फूंका UGC व प्रदेश सरकार का पुतला। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे, छात्र संघ भवन पर शुक्र सरकार का पुतला जलाने पहुँचे छात्रों को रोकती पुलिस। इसके साथ ही परीक्षा कराए जाने के निर्णय के विरोध में किया प्रदर्शन। अंतिम वर्ष में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा कराए जाने के निर्णय के विरोध में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदेश सरकार एवं UGC का पुतला फूंका और प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रदर्शन कर नेतृत्व करते हुए विजयकांत यादव विपिन ने कहा कि अगर परीक्षा के दौरान किसी भी छात्र को कोरोना संक्रमण होता है तो इसके लिए प्रदेश एवं केंद्र की सरकार जिम्मेदार होगी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते होंगे देश भर में फाइनल की परीक्षाओं को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन UGC जो है वो अपनी फाइनल की परीक्षाओं पर कराने पर अड़ी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते होंगे किस टाइप से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ साथ परीक्षाओं के साथ साथ और भी कई सारी परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है स्टूडेंट्स को परीक्षाओं के संबंध में। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।